नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे स्विगी के बारे में, स्विगी के IPO के बारे में, जो कि कंपनी 10,000 करोड़ रुपए का IPO फाइल किया है। क्या ये जोमैटो को कड़ी टक्कर देगा? इस वीडियो में हम स्विगी के IPO के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उनके वित्तीय प्रदर्शन और बाजार की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप भी इस IPO में निवेश का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सैमको और IIFL का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों आप सभी को विदित है, हर दिन हम आप लोगों के लिए नए नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव करते हैं, शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं, जो कि आने वाले दिनों में एक बेहतरीन तेजी देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों हमने आज JSW स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, अस्टर जनका जैसे शेयरों के बारे में डिस्कस किया था। आप देखेंगे तो शानदार तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली, काफी बेहतरीन भी पैसा बनता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपको प्रॉफिट के भी स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो हमने जो जिस IPO का शीर्षक है, आज हम स्विगी के 10,000 करोड़ रुपए के IPO की घोषणा जो हुई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जोमैटो के कड़े प्रतिद्वंदी स्विगी ने अपना IPO फाइल कर दिया है और यह IPO का आकार 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अब सवाल यह है, क्या स्विगी जोमैटो को टक्कर देने वाला IPO मार्केट में आ गया है? चलो इस बारे में विस्तार से जानते हैं। स्विगी जो अब तक अपने पसंदीदा भोजन की डिलीवरी और किराना सेवा के लिए जाना जाता था, अब IPO लेने की तैयारी कर रहा है। क्या 10,000 करोड़ रुपए के IPO में 3750 करोड़ रुपए का ताजा इश्यू होगा और बाकी 6500 रुपए OFS के माध्यम से जुटाई जाएगी? स्विगी ने इंडिया में फूड डिलीवरी को एक नया ट्विस्ट दिया है। यह एक कंज्यूमर फर्स्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसमें फूड डिलीवरी के साथ इंस्टामार्ट, जीनी, डाइन आउट और हाइपर लोकल शॉपिंग जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। यह प्लेटफॉर्म इतना लोकप्रिय हो गया कि आज 90% से ज्यादा फूड डिलीवरी मार्केट जोमैटो और स्विगी के बीच में बटा हुआ देखने को मिलता है। लेकिन स्विगी का वित्तीय प्रदर्शन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में स्विगी ने 11,247 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा पोस्ट किया है, जो 36% की वृद्धि के रूप में देखने को मिलती है, लेकिन उन्हें अभी भी 2350 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा देखने को मिल रहा है, जो पिछले साल 4,179 करोड़ रुपए के नुकसान से काफ़ी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी लागत नियंत्रण के साथ घाटे में सुधार हो रहा है। जोमैटो जो अपने IPO के समय घाटे में था, स्विगी भी उसी चरण से गुजर रहा है। लेकिन याद रहे, जोमैटो ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रॉफिट भी दर्ज किया, जो स्विगी भी अपने फ्यूचर में टर्न अराउंड करने की कोशिश करेगा। स्विगी ने सिर्फ उद्यम पूंजीपतियों को आकर्षित कर नहीं किया है, बल्कि बॉलीवुड के सितारों जैसे अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और खेल के दिग्गज जैसे राहुल द्रविड़ और रोहन बोपन्ना ने भी स्विगी में निवेश किया है। स्विगी के IPO की टाइमिंग स्टॉक मार्केट के लिए दिलचस्प होगी। अब पूरी मार्केट जोमैटो स्विगी के बीच के कंपटीशन को करीब से देखेगी, खासकर ये दोनों कंपनियां क्विक कॉमर्स सेगमेंट में बिग बास्केट और फ्लिपकार्ट जैसे खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रही हैं। तो दोस्तों यह स्विगी का IPO अपने पोर्टफोलियो में एक नया रत्न बनेगा। तो दोस्तों अगर आप इस IPO के बारे में और बेहतरीन ढंग से जानना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली और भी जानकारियां आपको मिलती हुई दिखाई दें। तो दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी स्टॉक के अंदर बाय या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं। किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो, मेरी जानकारियां आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों अपना और अपने पोर्टफोलियो का रखिएगा ख्याल, कल मिलेंगे एक नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।